नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार महिलाओं को लेकर जहां संवेदनशील है, वहीं बिजनौर में SP ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को धार देना शुरू कर दिया है। बिजनौर पुलिस ग्राउंड में SP ने बीट आरक्षी महिला कांस्टेबलों व महिला अपराधों से संबंधित अफसरों को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि कल से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। एक तरफ जहां मां शक्ति ने 9 रूपों में अवतार लेकर राक्षसों का नरसंहार किया था, तो वहीं महिला पुलिसकर्मी भी मां दुर्गा का रूप लेकर गुंडों और मनचलों का इलाज करेंगी। CM योगी की महत्वपूर्ण योजना मिशन शक्ति को लेकर बिजनौर SP ने पुलिस लाइन में जिले की मिशन शक्ति से जुड़ी सैकड़ों महिला आरक्षियों को बुलाकर गोष्ठी की। गोष्ठी के माध्यम से बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिले की समस्त बीट कांस्टेबल महिलाओं को महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी महिला पर कोई भी गुंडा, अपराधी या मनचला गलत नजर रखता है या छेड़छाड़ करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश SP ने दिए। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करने का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी महिला सिपाही जागरूक करने का काम करेंगी। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कल से ही मिशन शक्ति का असर दिखाई देना शुरू कर देगा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, आज जनपद बिजनौर में नवरात्र के एक दिवस पूर्व और विक्रम संवत प्रारंभ होने से एक दिवस पूर्व आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद की सभी लेडीज कांस्टेबल SI इंस्पेक्टर मौजूद थी। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मिशन शक्ति नारी का सम्मान, सुरक्षा एवं स्वावलंबन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो महिला बीट का निर्धारण किया गया है, उसमें और सुदृढ़ीकरण एवं और सुधार लाने के लिए महिला हेल्प डेस्क एवं महिलाओं से संबंधित जितने सरकार की शासन की नीतियाँ हैं उसको जागरण के लिए महिला मिशन कक्ष, उसको पुनर्जीवित करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के जितने चीज़ें हैं सब में जीवंतता लाने के लिए पुरजोर से आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उसी के संबंध में गोष्ठी कार्यशाला आयोजित किया गया और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।